ये देखो पलटन घूमने के लिए तैयार। इधर कालू की चेन खुल रही है, अब पता नहीं भैया पूरी खोलेंगे या आधी खोलेंगे। ये देखो 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 कालू को, देखो कालू को बिना मतलब के परेशान करता लोगों को। ये देखो सुबह सुबह पलटन, और ये हमारे कालू जी, देखो देखो कालू की चेन, देखो छोटा डॉन बना हुआ है, देखो देखो कैसे वो नहीं है 50 तोला, तो इसका 50 तोला रखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं आ गई अपनी पलटन को लेके वॉकी वॉकी कराने, और आज तो हमारे कालू जी भी आए हैं, तो ग्रुप में अलग ही चार चांद लगे हुए ना। जस्ट अभी जैसे गोलू और भोलू साथ में आए ना वॉक करने के लिए, तो गोलू को देखा, गोलू को एक छोटा सा होल हो रखा है जिसमें मैगेट्स हो गए, तो उसको मतलब फिर से डॉग बाइट हुई है, और डॉग बाइट होकर उसमें मैगेट हो गए। अगर शायद वीडियो बन पाती है तो मैं दिखाती हूँ, ये देखो। तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, 9 बजे क्लिनिक खुल जाता है। और ये पता नहीं क्यों इस बेचारे बच्चे को सब इतना बुली करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि गोलू को ही क्यों काटते हैं, इसको ही क्यों परेशान करते हैं, जबकि इवन जो इसका भाई है ना भोलू, ये भी अपने भाई को ही काटता है। क्या हुआ नाबू, क्या दिखा? कोई कुछ छिपली गिर गई दिख गया। तो मैं और नाबू थोड़ी देर के लिए गार्डन में बैठे हैं, ये देखो कहाँ पे बैठा है छुप के। तो मैं आपको, आज मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हैं, बहुत सारे नहीं मतलब एक दो ही खिले हैं, पर हाँ अच्छे खिले हैं, तो मैं दिखाती हूँ। और सबसे प्यारा सबसे क्यूट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। देन फ्लावर नंबर 2 रोज, ये मुरझा गया ऑरेंज कलर का। देन इधर अपराजिता, ठीक है ये लाइट कलर की अपराजिता है। मोगरा कल तक खिल जाएगा जैसे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे ये गुड़हल का फूल है, लेकिन ये भी आधा खिला, क्या हुआ, क्या परेशानी है भाई? ये भी खिल रहे हैं, इतने आधे आधे ऐसे क्यों खिल रहे हैं? कल भी जो खिला था वो भी ऐसे खिला था, ये भी मुरझा गया। व्हाइट वाले भी खिले, उधर रेड वाला खिला। मैंने पौधों से ही मिलाती हूँ, इसमें मैंने टमाटर के बीज डाले थे, जिसमें से कुछ कुछ पौधे निकल के आ रहे हैं। ये अपराजिता है, इधर मधुमालती, इधर ये तो बुगनविला पता ही है, इसमें भी अपराजिता के बीज डाले थे उधर। इधर बुगनविला, ये भी बुगनविला, जब इन्हें फ्लावर आएंगे तो पता चलेगा कौन से कलर के हैं, क्योंकि मैं आपको एक साथ में बात शेयर करती हूँ जो मुझे फील हुआ है। मुझे कल सस्पेक्ट था कि रोहन से या नाबू से मेरा पौधा टूटा है, तो वो रोहन नाबू से नहीं टूटा, वो विस्की ने तोड़ा है। क्योंकि कल भी शाम को क्या हुआ कि वो सेम बैठ के वही हाथ चलाने लगी पौधे को, और मुझे काट रही थी, तब समझ में आया कि ये विस्की मैडम का काम है, रोहन बच गए, मैंने कल बहुत सुनाया वैसे। और दूसरा ये कि जो मेरे को लगता है जो नर्सरी वाले भैया होते हैं, जो माली लोग होते हैं, वो हमारे बहुत पागल बनाते हैं। अगर आपको पौधों की नॉलेज नहीं है ना बिल्कुल भी, या फिर आप ऐसे शो करते हो कि अरे आपको नहीं पता कुछ भी, भैया आप बता रहे हो जो सही बता रहे हो, तो वो सच में बहुत पागल बनाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब मैं एकदम प्रो की तरह जाऊंगी किसी भी नर्सरी में, ऐसे शो करूंगी कि जैसे मुझे आपसे ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास, हाँ कम होगा लेकिन शो ऐसे ही करना है। क्योंकि जब वो ऐसे ना भांप लेते हैं कि आपको पता नहीं है कुछ, तो वो आपका सच में, इसको लोमड़ी को, इसको देखो, इसको देखो, मतलब इसको ना छोटी छोटी जगह में से निकलना है, इसको रास्ता नहीं दिख रहा, इसको यहाँ पे जो रास्ता बना रखा है हमने ये नजर नहीं आता, इसको जाना है पता कहाँ से, इसको जाना है एक्जोरा के ऊपर से निकल के। अब यार अभी एक्जोरा का पौधा बहुत छोटा सा है, टूट जाएगा। इसको आदत तो नहीं पड़ गई ऐसे घूमने की, क्या यार परेशान रहता है। चलो गोलू, तो आप जब जिम जाओगे ना तो नाबू को अंदर करते जाना। तो मैं भी निकली हूँ गोलू को लेके, देखती हूँ कि क्या इसको हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो मैगेट्स हैं, बाकी देखते हैं डॉक्टर बताएंगे क्या है। गोदी उठा के लाना पड़ा है, इसे आ नहीं रहा था। चलो चलो चलो, तू तो पहचानता है क्लिनिक, छोटू से मिल रहा है। छोटू से मिल रहा, कह रहे भैया हेलो, ये तो बहुत ड्रामा भी करता है, इसको मजल लगा लेना। गोलू है, गोलू गोलू तो हलवा खट्टा हो गया। नो हाँ बहुत।
आपको मेरी हार्ट बीट नजर आ रही है, इस हार्ट बीट का रीजन है कि अभी ना नाबू मतलब घर में गायब था, और वो गायब कैसे हो सकता है ना, ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है कि पूरे घर में नाबू कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हिमशुना अभी गोलू को लेके गई हुई है, मैं जस्ट अपने सीपर में ना प्री वर्कआउट वगैरह घोल के कि मेरे को जिम जाना है, मैं निकलने लगा तो मेरे को लगा मैं घर का ना लॉक कर देता हूँ, एक बार नाबू को अंदर कर देता हूँ, क्योंकि नाबू हमेशा पार्क में होता है, तो नाबू या तो हमेशा यहाँ बैठता जाके, वहाँ भी नहीं है, या यहाँ आके बैठता है इसके घास के पीछे छुप के, नहीं है, है ना, या फिर बैठता है यहाँ पे जीने के नीचे, यहाँ भी नहीं है। फिर मेरे को लगा हो सकता है गाड़ी के नीचे वो, तो गाड़ी के नीचे भी नहीं है, है ना, इधर उधर। फिर मैं गया अंदर, अंदर सफाई चल रही दीपावली की ना, और कल फ्रिज भी जाए, मेरे को लगा शायद हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ भी नहीं है, इधर कोने में भी नहीं है कहीं भी ना, मेरे को लगा यहाँ कहीं किचन में बैठा हो कि चलो नया फ्रिज आया है, क्या पता यहाँ भी नहीं है, है ना। उसके बाद में मेरे को लगा कि यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं है, अभी सफाई हुई नहीं है, मेरे को लगा कि ऐसा तो नहीं मैंने गलती से पीछे बंद कर दिया हो, तो पीछे भी नहीं था, पीछे भी खाली, दूसरे रूम में चला गया हो, दूसरे रूम में भी लेकिन सारा फैला पड़ा है क्योंकि सफाई चल रही है, तो अब सफाई चल रही जाहिर सी बात है फैला पड़ा है, मेरे को लगा अब मेरी हालत होगी खराब, इसके यहाँ बैठी हुई है। अब आप मेरे को बताओ नाबू आपको कहीं नजर आ रहा है इसमें, देखो नहीं नजर आ रहा ना कहीं भी कि कहीं भी है कि पार्क में, यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, देखो दिख रहा है आप लोग, नहीं दिख रहा ना, अब मैं दिखाता हूँ कहाँ है, देखो ये पड़ा, इस पेड़ में यहाँ तक भी नहीं चमक रहा थे, इतनी गंदी हालत हुई है मेरी ये ना, सच बोल रहा हूँ। व्लॉग तो बाद में बनाने का सोचा कि चलो व्लॉग बना लेता हूँ जब इतनी बुरी कंडीशन हुई है, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, बाप रे। जब मैं ऊपर जाने लगा ना कि ऊपर देखा तो तब मेरे को इसका आधा हिस्सा नजर आया। नाबू तूने ना हार्ट अटैक दे दिया था बच्चे, चलो अंदर चलो। जस्ट हॉस्पिटल से निकले हैं गोलू की ड्रेसिंग करा के, ऑटो वाले भैया किधर है भैया, चलो ये आगे दिख गए, ए आ जंप। पता है आज की मेरी प्लानिंग क्या थी, रोहन का बर्थडे है ना कल, तो मैंने सोचा था पार्लर जाऊंगी, थोड़ा मैनी पैडी कराऊंगी, शक्ल सुधारूंगी अपनी, ये हो गया मेरा मैनी पैडी। चलो चलो घर चलो, बस चाट चाट के ठीक कर लेगा क्या, मैं ना बिल भूल गई थी, भैया को बुलाया है मैंने, भैया आए हैं देने के लिए। तभी घर पहुंची हूँ और रास्ते में से ना मैंने नारियल पानी ले लिया था अपने लिए भी और पूरे खानदान के लिए भी, विस्की नाबू रोहन सबके लिए, तो अभी जस्ट वो पिया है, और उसके बाद में कुछ ब्रेड रोहन बना के गए हैं, कुछ सैंडविच वगैरह मैंने देखा तो रखा हुआ था तो वो खाऊंगी। थैंक यू सो मच बना के रख के गए, क्योंकि रोहन को पता था मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैं अभी। तो नाबू के डालने के बाद में मैं आया जिम, वर्कआउट किया, बैक का टी शर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे को सब बोलते हैं कि शायद उस टी शर्ट में जब मैं स्वेटिंग में रहता हूँ तो मेरे को नज़र लग जाती है, तो नज़र से बचने के लिए मैं एक और टी शर्ट कैरी करने लग गया हूँ आजकल। हमारे बड़े ब्लॉगर आए हैं हमारी गाड़ी का रिव्यू करने। हाँ जी बताइए। सीरियसली मजा आ गया गाड़ी में बैठ के, इनकी जो सीट कवर वो बेस्ट है, और स्पीकर का जवाब ही नहीं है भाई का, और सबसे जो ज्यादा मस्त चीज है गाड़ी के वो है हमारे बड़े भाई। नहीं एक्चुअली अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा, है ना, मस्त लग रहा है, इंटीरियर जो चेंज कराया लिटरली रियली बढ़िया, जबरदस्त लग रहा है ना, मजा आ गया। जो मैंने ब्लैक चेरी कराया था वो इसलिए कराया था क्योंकि आजकल ना फैशन में चल रहा है और सबसे लेटेस्ट यही कलर है। अब जैसे ये ग्रैंड विटारा रहा है, ये कंपनी ने खुद करके दिया है यहाँ पे चेरी, ये चेरी, ये चेरी, तो आजकल ये भाई की है गाड़ी, भाई कंपेयर कर रहा है एक्चुअली गाड़ी में, बट ये ज़्यादा अच्छी है भाई, ये लग्जरी है। सबको दूसरे की अच्छी लगती है, उसकी अभी नई नई गाड़ी है ना, तो उतर के देख रहा है कि कितना जगह कितनी है, मतलब इधर लेफ्ट में कितनी है, राइट में कितनी है, और अगर पुरानी होती तो अभी तक इसे खुदा के ले जाता है। देखो 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 कितने ध्यान से देख देख के, और यहाँ पे थार काम आती है कि फर्क नहीं पड़ता, खुदा दो बस। और अभी हमें देखना यो,
मैं अभी जिम से निकलने के बाद मैं सीधा पहुंचा हूं बैंक। उसका रीज़न है कि मेरे क्लाइंट ने मेरे को एक चेक दिया था जो बाउंस हो गया। अब उसको भी मेरे को ही सॉर्टेड करना है कि भाई वो बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है, अकाउंट में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया। बैंक ये भाई तो अपने देखा ही ना घर पे सब्जी डिलीवर करने आता है, तो मैं मार्केट में आया मेरे को मिल गया, कह रहा हमारी दुकान ही यहीं पे है। ये दुकान है अपनी, ये वाले सामने पैरामाउंट में। ये बच्चा बहुत प्यार करता है। और भैया को चैनल का सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा चलो चल रहे हैं अभी कम से कम 50 के तो करवा दो। तो जब मैं आया हूँ तो मेरे को लगा मैं केले ले ही जाता हूँ जिम के लिए। कर दे भाई, चलो कर दे। हाँ एक दर्जन कर दे। लोमड़ी तुझे क्या केले खाने हैं? कह रहा नहीं केले नहीं खा रहे, तुम अंदर आ जाओ। अरे भाई सब मिला भी नहीं, कह रहा है गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं नहीं रुक रहा। अबे आ जा। तो मैं ऑन कैमरा ही बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ, किचन में ये ऐसे रख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है। तो वो तो है, मतलब मानना ना मानना तो मेरे ऊपर है ना। हाँ। कि मुझे तुम्हारी क्या सुननी है क्या नहीं सुननी। हाँ तो बस, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मंदिर हो गया, यहाँ पे फ्रिज हो गया, तो यहाँ पे माइक्रो रख दो, माइक्रो के साथ में ये मिक्सी रख दो, वॉशिंग मशीन नहीं रखनी, मैं बोलने वाला था वॉशिंग मशीन रख दो, मिक्सी के बाद में ये रख दो जो टोस्टर है, सेकंड टोस्टर रख दो, फिर उसके बाद में ये रख दो और वो वाली डब्बे यहाँ रख दो, बाकी मुझे पता है तुम। और मैं माफी मांग रहा हूँ इस बात में पहले, सजेशन देने से पहले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें करना है, माफी भी नहीं मांगने की नहीं रहा आपको, है ना। मतलब मैं कह नहीं रहा कि तुम्हें करना ही करना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी किचन आपकी है, बस मेरे सजेशंस हैं, मेरा इस काल्पनिक सॉरी एक्चुअल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है इस किचन से। कल को अगर ये सामान इधर से उधर जाता है तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा। मैं पूरे घर में कर सकता हूँ लेकिन किचन में नहीं करूंगा। आग लगाते हैं? आग नहीं लगाई मैंने, ये आग नहीं लगाई है त्यागी जी, नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आग नहीं लगाई, मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ आपको, मैं कोई नहीं होता किचन में। चलो नहीं चाहिए, पता है मैं कह के ही हटी थी कि टमाटर ज्यादा भर लिए तुमने, ये इसका ढक्कन खुल जाएगा, आंख में गई उसका मैटर नहीं करता, ठीक है आंख में गई धुल जाएगा। व्लॉग नहीं है भाई, देखो ये क्या हुआ है, देखो ये साफ थोड़ी हो जाएगा। अरे क्या किया रोहन ये, और मैं बोल रही हूँ कि भाई इसका ढक्कन खुल जाएगा, सुन लो छोटा है ये, देखो कितना छोटा जार लिया, ठीक है बड़ा वाला बोल रही थी कि मैं बड़ा लो, हाँ बहुत बहुत ही अच्छी डिजाइन है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो बीवी ने कहा वो नहीं सुनाई दिया, कि ये कह रही है एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि किचन में डेली काम करती हूँ मैं, डेली मैं ऑलरेडी झेल चुकी हूँ, ये आंख में जाती है सीधा मिर्च, नहीं होगा भाई, लाल टमाटर थे। इस पे नहीं गया है, सामने ही गया है बोर्ड के पास, कुछ भी आंख में मिर्च गई तो कुछ भी दिख रहा है। अगर उस साइड मत करो, ये निशान रोहन, ये निशान गंदे रह जाएंगे। क्या बोला था मैंने कि छोटा जार मत लो। अरे यार तुम बोल रही थी ना तभी एक्स्ट्रा कॉन्शियस हुआ मैं, हाथ ऐसे बस बस बस, ये बहाना है, ये बहाना है। तो मैं तो यहाँ पे ना ये चॉप कर रही थी, ठीक है, और हमारी चटनी भी नहीं पीसी, पीस नहीं पड़ेगी। और ये देखो पीछे रोहन ने खैर किया तो है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कांड हुआ था, चटनी नहीं पीसी। बहुत देर रगड़ा है साबुन से, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बजे। हाँ। तो किचन तुम्हारी है, मैं किचन में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, सकता तुम रह नहीं सकते किचन से। आज के बाद में खाना नहीं बनाऊंगा खुद के लिए, आज के बाद मेरा सारा खाना तुम बनाओगी, ये मेरे लिए एक लेसन था। आज के बाद में मैं किचन में कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ मैं इस जगह से अंदर घुसूंगा ही नहीं। नहीं 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 हम नहीं खेल रहे, हम खेल ही नहीं रहे, नहीं आज के बाद ना ना, ना हमें नहीं खेलना, मेरे लिए कौन बनाएगा यार खाना, नहीं हम एंटर नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी गलती हो जाती है इंसान से, कभी कभी हो जाती है, सीखना चाहिए इंसान, नहीं मत सीखो, गलती होती है सीखना चाहिए, नहीं सीखो मरवान, नहीं सीखो प्लीज, मेरे को टेस्टी सी खाना बना के कौन खिलाएगा फिर, सीख लिया इस चीज से। नहीं 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 प्लीज, शिट मैंने डेढ़ एक चम्मच नमक डाल, रोहन नमक तो पहले ही था, मैंने डाल दी, कितना पानी डालेंगे यार, चटनी हो गई क्या होगी ये, मेरे को ये नहीं समझ रहा। ये देखो मैं, मेरे को किसी काम से जाना था तो मेरे को स्कूटी निकालनी थी, वहां पे गैप था कम, लोमड़ी भी आ गई इधर,
अमरेंद्र बाहुबली। हमारे घर में गाड़ी आगे पीछे ऐसे होती और गए पीछे गई 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 गई, गई। देखा हमारे घर में ऐसे होता है, यहाँ ऐसे ही होता है। रोनी कौन सा डायलॉग है? ये देखो बिच्कू की दोस्त आई है, जहाँ से हमने बिच्कू को रेस्क्यू किया था ना। तू जानती है इसको? ले नहीं जानती, तो इसको ऐसे अजीब लग रहा है ना। अरे भोग के लिए पागल लड़की, ये तेरी फ्रेंड है ना, तो इसके साथ रही थी कितने दिन। देख बिच्कू दोस्त आई है, दोस्त मिल ले। हाँ वो तो मिल रही है, हाय हेलो पूछ रही है। हाँ आज हाँ क्या हुआ, इसी से तो मिलने आई थी तू, आ जाती है 10-15 मिनट दिन में एक बार मिलने। हाँ बिच्की है, बिच्की ठीक है, ये इलाज चल रहा है, एची में रहती है मुझे से। ओले बाबा बिच्कू कैसे करके माने ना कि ये वॉक नहीं करती। हाँ इसकी क्या है, ये बॉडी में ना स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, तो ये क्या पैर ऐसे भी नहीं कर पाती कि ऐसे चल ऐसे। हाँ इसके पैर भी नहीं मुड़ते अगले। हाँ, जो बाकी डॉग्स होते हैं ना जो दो पैरों में भागते फिरते हैं। हाँ। तो वो क्या है, वो ऐसे आगे से एक्टिव होते हैं, ये आगे से भी एक्टिव नहीं है। पीछे लोमड़ी तो देख लो, लोमड़ी दिख रही है किसी को? दोस्त है ना आपकी? हाँ दोस्त है, मिलने आती है हमेशा। टेल देखो इसकी, टेल ये पागल भौंक रही है। ओरे 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 भौंक रही है। अच्छा अच्छा तो हिमशु जा रही है खाना देने, और देखो हमारी लोमड़ी निकल गई। पुरानी सोसाइटी में आके पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया, आंटी लेके जाएंगी ऊपर। बालकनी से बात कर रहे हैं हम लोग, फोन तो उनका नॉट रीचेबल था, तो बालकनी में खड़ी थी। एक चीज दिखाऊं, मैं काम कर रहा था बैठा हुआ, मेरे को कुछ क्लाइंट को ना पीपीटी वगैरह भेजनी थी, कुछ कोटेशन भेजनी थी, तो ये कौन आके खड़ा है, कोई से खुजली कर दो, आगे काम वाम तो होता रहेगा। और ये तेरा बापू काम ना करे, पैसा कहाँ से आएगा, तेरे व्लॉग से तो इतना पैसा आता नहीं है। देखो काम नहीं करने दे रहा, मतलब आके ना खड़ा हो गया छाती पे, काम ना करूं ना करूं काम, देखना काम नहीं करना मेरे को, ऐसे छोड़ दूं। ये ले तू चला ले, लैपटॉप चला ले, ये चाहिए कह रहा है पापा आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक बंदा। आजा आजा आजा, क्या हो गया, क्यों ऐसे बोल रहा है, हैं क्यों ऐसे बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो ऐसे, मैं घर आके देख रहा हूँ तो ये अले अले छींकू कहाँ पे सूं के आए हो आप, कहाँ पे स्निफ किया आपने, हाँ किया है कहीं पे, तभी इतना टेढ़ा छींक रहा है। और ये देखो त्यागी जी क्या जोरों शोरों से गाड़ी धोने में लगे हुए हैं, जिसकी इधर खड़ी है ना वो चेक कर रहे हैं। अब क्या यार, कोई तो गमला छोड़ दिया कर, ये क्या बात है। हेलो गाइस गाड़ी धो लो। हाँ गाड़ी तो धोएंगे ही गाइस। ये देखो आज हमारे त्यागी जी चेतक को इतना चमका देंगे, इतना चमका देंगे कि चंद्रयान तक पहुंच जाएंगे गाड़ी को धोते धोते। हाँ जी बिल्कुल होता है, और जिनके पास बुलेट होती है उन्हें अपनी बुलेट से ज्यादा प्यार होता है, समझे। और जिनके पास सच्चा प्यार होता है ना, उन्हें अपने सच्चे प्यार से प्यार होता है, ना कि गाड़ियों वाड़ियों से मटेरियलिस्टिक चीजों से। ठीक है रहने दिया। गई नाबू पानी में, रोहन इधर पानी था, ये तो कल ही आया था लोमड़ी, तो मैं देखूंगी इधर विस्की। देखो विस्की कैसे देख रही है भैया को, कह रहे भैया से कितना काम लेती है दीदी। और इधर हमारे कितने स्मार्ट हैंडसम सेक्सी नौकर, मेरा दिल आ गया सड़के पे। गाइस मुझे बचा लो, गाइस मैं बोर नहीं कर पाऊंगा, मैं और बर्बाद नहीं होने चाहता गाइस। नंदू जी बेटा चमकानी है गाड़ी आज जी, और मालिक मैम इस पे वो वैक्स भी करनी है बाद में जी मैम, और बताइए कुछ, और दो किसी नहीं मैम, वो नहीं होने मैम को वो नहीं कर पाओगे तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी मैम, हम मालिक को धोखा नहीं दे सकते
बड़े वफादार हो। बस अब एक और प्रोसेस बचा है जीभ से चाटने का। कर लो यार तू रो पागल हो की तरह। लगे ही पड़े पानी से, सर्फ से, फिर कपड़े से। अब नंबर आता है जीभ का। अब जीभ से चमकानी है, ठीक है? एक लड़के को ना उसकी गाड़ी इतनी। अब बस रोहन बस वही बताती है कि वो लड़का अपने आप को प्रीमियम रखने के लिए, मतलब या अपने आप को मैनेज रखने के लिए क्या करता है। अच्छा, 8 साल से सुन रही हूँ ये डायलॉग में। एक लड़के की गाड़ी बताती है कि उसका नेचर कैसा हुआ है। तुम्हारी गाड़ी तो बहुत ही गंदी रहती है। हमारी गाड़ी यार जब भी आपका डॉग रेस्क्यू करता हूँ तब गंदी होती है। तो होती तो है ना। अब उतने में कोई और अदर पर्सन बैठ जाए तो वो तो यही सोचेगा अरे गाड़ी कितनी गंदी है। लेकिन कुत्तों से ज्यादा गाड़ी नहीं है ना मेरी गाड़ी। ज्यादा वो बात है। हाँ कुत्तों से ज्यादा नहीं है वो बात, ठीक है। अच्छा बच्चों के नाम पे गंदी हो जाती है। हाँ हमारी बच्चों से ही होती है उसी वही रेत चिक्कड़ के पैर वैर ये इसीलिए। और हमारी गाड़ी बहुत एक्सट्रीम गंदी होती है। लेकिन रोन चल चुके हैं क्या? अच्छा कभी कैमरे पे नंगे ही नहीं होते जैसे। लो हाँ पेट दिख रहा है तुम्हारा? पेट है मेरा तो तो एक साफ क्यों नहीं हो रही गाड़ी मुझे भी तो बताओ। शैम्पू के निशान अच्छा से की नहीं है। तुम्हें पैसे मिलेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है? अमरेंद्र बाहुबली। अरे यार रोन रोन जीप से चाटो ना इसको। अब वही टाइम आ गया जीप से चाटने वाला। देखो कपड़े उतर गए। अब तो बस वही लास्ट स्टेज वही बची है कि जीभ से चाट के इसको शाइन किया जाए, वैक्स किया जाए। होगी ना ना जीभ से ही होगी ये तो। वो फ्रिज इंस्टॉल करने वाला आने वाला, उसका फोन आ गया। हाँ देखा पहले शर्मा रहे थे और अब देख क्या दुनिया कैसी है। अरे कोई नहीं शर्मा रहा था। मैं तो चाहता हूँ नंगा होना। नंगा ही फिरूंगा मैं। नंगा ही घूमूं मेरे एप्स तो बने। एप्स तो नहीं पर हाँ ऐप जरूर आ जाएंगे एप्स बनते बनते। तो गाइस ये रामू काका फिर से एक बार हैंडसम बन के बैठ गए हैं। मेरा गुड्डा सो रहा है देखो। मैं नहा धो के आया हूँ, बहुत ही हालत खराब रखी थी। तो ना अभी थोड़ी देर बाद मैं पैदा हो जाऊँगा क्योंकि मेरा कल बर्थडे है। तो भाई हैप्पी बर्थडे टू मी एडवांस में। आप सभी मेरे को विश कर देना, बोल देना जोर जोर से कि भाई हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे रोहन, हैप्पी बर्थडे जो भी आप मेरे को समझते हो वो सब सब ऐसे सोच सोच के ना ऐसे हैप्पी बर्थडे लिख देना। और आज का जो व्लॉग है मैं थोड़ा जल्दी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिर खाना खिला के भी आना है बच्चों को। और हो सकता है 12 बजे एक दो की कॉल आ जाएँ या फिर किसी का ना आए। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लाइफ में ना, एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। या फिर कोई आए या ना आए। तो आज के लिए यहीं पर व्लॉग ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और आज के व्लॉग में बहुत सारी मस्ती है तो इसी के साथ में व्लॉग खत्म करते हैं। बाय बाय, शुभ रात्रि नाबू, शुभ रात्रि।